हेलो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th की शुरू कर रहे हैं और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है उसकी। तो इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम आपको ये बताते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं और क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसमें आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन सा चैप्टर किस पार्ट में आता है, ये पूरी बात हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए, केमिस्ट्री की ढेर सारे डिफिनीशन आप क्लास 9th में या 10th में पढ़े होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और आगे चल के सोचना पड़ेगा कि आखिर केमिस्ट्री हम क्या है, केमिस्ट्री पढ़ते क्या है। देखिए, कोई मैटर ले लीजिए, कोई पदार्थ ले लीजिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, या उसको किसी के साथ मिक्स करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारे कहने का मतलब, अब आपको ये बात फिर से बताते हैं। देखिए, जैसे आप दो सब्सटेंस ले लीजिए, हमारे कहने का मतलब जैसे आपने ग्लूकोज ले लिया, अब इस ग्लूकोज को वाटर के साथ मिक्स करिए, तो ग्लूकोज को अगर वाटर के साथ मिक्स करते होंगे तो देखे होंगे ढेर सारी शरबत आप बना लिए। तो ग्लूकॉन डी को अगर आप पानी में डालते हैं तो जो फेनोमेना देखते हैं वही केमिस्ट्री है। दो को मिक्स किए, क्या फेनोमेना मिला। माचिस की तीली ले लीजिए, पेट्रोल के ऊपर डाल दीजिए, जलाने के बाद जो फेनोमेना दिखे वो केमिस्ट्री है। तो अब तो उस केमिस्ट्री का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि दो को मिक्स किए फिर क्या दिख रहा है हमें, वो केमिस्ट्री है। अब दूसरी चीज, स्ट्रक्चर देख लीजिए। डायमंड का कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है, वही कार्बन है, डायमंड में कुछ अलग स्ट्रक्चर से जाएगा, कोयले में जाएगा तो कुछ अलग स्ट्रक्चर से जाएगा, ये केमिस्ट्री है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा इसमें हमें पढ़ना क्या। देखिए, धीरे धीरे आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब जितनी फिनामिना, जितनी घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, ये घटनाएं बारी बारी से केमिस्ट्री की किसी न किसी पार्ट में डिवाइड की गई हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, यहां पे पहला लिखे हैं केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री लिखे हैं, दूसरा लिख रहे हैं बेटा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट आएगा, और तीसरा जो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीन पार्ट में पूरी केमिस्ट्री डिवाइड हो जाएगी। अब सीधे सीधे हम बताते हैं कि तीनों पार्ट में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई एटम हो या मॉलिक्यूल हो, इसकी सभी फिजिकल फिनामिना। अब आप बोले फिजिकल फिनामिना क्या है, फिजिकल फिनामिना क्या है, उसकी एनर्जी, उसकी विलासिटी, उसका मोमेंटम, उसकी हीट, उसके थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उसके रेट, वो कितनी देर कितनी तेज दूसरे में बदल रहा है। अब आपको ये नहीं समझ में आया कितनी तेज बदल रहा है, उसका हम एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि आप गैस सिलेंडर लीजिए, उसमें आग लगाइए, ऐसा नहीं करना है आपको, लेकिन हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसमें तुरंत आग लग जाता है। और दूसरे में कार्बन ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, उसमें आग लगाइए, उसमें लेट में लगता है। तो ये रेट से रिलेटेड है। इन सब बातों की जो भी स्टडी करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में आएगा। तो आपको पहले बता दिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल फिनामिना होती है। दूसरा टर्म आता है, फिजिकल फिनामिना क्या होता है हम आपको समझा दिए। दूसरा टर्म आता है केमिस्ट्री का, दो पार्ट आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, बहुत सिंपल सी बात समझिए कि ऑर्गेनिक पूरे केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स आज के दिन में नोन है, 118 एलिमेंट हैं। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 118 एलिमेंट नोन है, 117 एलिमेंट जो बचे हुए हैं कार्बन को छोड़ दीजिए। तो कार्बन को छोड़कर 117 एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम जिस जगह डिस्कस करते हैं, उसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, वो सब इस चैप्टर इस पार्ट में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मेरे कहने का मतलब, कार्बन के अलावा 117 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिसमें डिस्कस करते हैं वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। हाइड्रोजन यहां भी रहेगा, हाइड्रोजन यहां भी रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कार्बन के साथ लगा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, कार्बन के साथ नहीं है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो अब आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि पूरे केमिस्ट्री को हमें तीन पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया। अब आप बोलेंगे, सर ये बताइए, कार्बन अकेले पढ़ने के लिए आपने एक अलग ब्रांच बना दिया,
तो उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कार्बन के पास हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। क्लास 10th की बात है। हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब था उसको बांड बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा, चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। वह अकेले इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जितना मिलकर 117 कंपाउंड नहीं कर पाते। इसलिए हमें पढ़ने में ये बेसिक बात ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई क्यों गई, हम इतने एलिमेंट को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बन अकेले इतने कंपाउंड को बनाता है, इसको ये पढ़ने में हमें आसानी हो, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें अलग से बनानी पड़ी। क्लियर हो गई होगी बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई क्यों गई, यानी कार्बन और इसके डेरिवेटिव्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, पूरी बात आपको समझा दिए हैं, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आपको केमिस्ट्री का डिफिनीशन एकदम एग्जैक्ट लाइन में समझा दिए। हम फील कराना चाह रहे हैं कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। देखिए एक बात बता दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, आप छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन आपको एक बात बता दें कि देखिए हम बोले ना फिजिकल और दूसरा पूरी बात केमिकल, दो पार्ट में होता है, फिजिकल फोर्सेस होते हैं। देखिए केमिस्ट्री में फिजिकल फोर्स क्या होता है ये समझिएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा और वैन डर वाल फोर्स आएगा, वो फिजिकल फोर्स आएगा, वो सब इस फेनोमेना में आते हैं। आइए देखिए ये टॉपिक थोड़ा आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करें, लेकिन ये पढ़े पढ़े। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है हम बता दिए आपको, फिजिकल फेनोमेना इसमें देखे जाते हैं। फिजिकल फेनोमेना हम क्या बताया आपको, जैसे हीट बता दिए आपको, हीट बता दिए, वेलोसिटी बता दिए, मोमेंटम बता दिए, एनर्जी बता दिए, सब इसमें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी फेनोमेना आएगा सब ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ हमने लिख दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मैटर, मैटर मतलब समझते हैं जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, जितने भी मैटर जो स्पेस लेते हैं जिसमें मास होता है वो मैटर्स है। अब जितने भी मैटर हैं उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन। मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन में उसके अमाउंट के बारे में हम समझते हैं, जैसे उसमें नए कुछ टॉपिक आ जाएंगे, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें मोल कॉन्सेप्ट आता है, जो मोल कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे, यानी मोल कॉन्सेप्ट कोई बोल रहा है आपसे तो समझ लीजिए पहला चैप्टर पढ़ा रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट बोलेगा, ये मोल आ जाएगा। अब इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बाद इसमें दूसरा आता है रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीसियोमेट्री जिसको बोलते हैं, यानी उसमें स्टीसियो मतलब होता है नंबर, यानी कि रिएक्शन में जो सब्सटेंस यूज होते हैं वो कितने नंबर है, एक नंबर है, दो नंबर है, मतलब एक मॉलिक्यूल यूज हुआ, दो मॉलिक्यूल यूज हुआ, दस मॉलिक्यूल हुआ, बीस मॉलिक्यूल यूज हुआ, कितने मॉलिक्यूल यूज हुए उसका नंबर स्टीसियोमेट्री में बताया जाता है। ठीक, तो ये दो टॉपिक हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट में मेजर रूप में पढ़ते हैं। फिर उसमें बताते अमाउंट बताने का तरीका, जैसे दो को मिक्स कर दिए तो दो को मिक्स कर दिए उसको बताने का एक तरीका होता है, यानी कि पहला बताया आपको कि ये मोल बता दिए, दूसरा बताया रिएक्शन बताने के लिए स्टीसियोमेट्री बता दिए। स्टीसियोमेट्री के बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है वो होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है कंसंट्रेशन, ये होता है कि अगर दो सब्सटेंस आप एक साथ रखते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो दोनों के अमाउंट के बताने का तरीका कंसंट्रेशन कहलाता है। मतलब समझ में आ गया अच्छे से, दो सब्सटेंस आपस में एक साथ रखते हैं और दोनों आपस में रिएक्शन न करें लेकिन एक साथ मिल जाएं, दोनों आपस में रिएक्शन न करें यह ध्यान दीजिएगा, दोनों आपस में मिल भी जाएं, अब मिलने के बाद दोनों का अलग अलग अमाउंट कितना होगा ये बताना, बताने का तरीका कंसंट्रेशन कहलाता है। इसमें ढेर सारे टर्म यूज होते हैं, हम लोग मोलरिटी बोलेंगे उसी को मोलरिटी बोलेंगे, उसी को नॉर्मलिटी बोलेंगे, उसी को फॉर्मेलिटी बोलेंगे, उसी को मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, पीपीएम भी बोलते हैं, ये सब कंसंट्रेशन बताने के तरीके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको एकदम क्लियर कट बात समझाते चले जा रहे हैं कि कौन किसमें क्या है, ठीक ऐसा हुआ। अब इसके बाद आएगा आपके यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ये भी आप क्लास बेसिक छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, एटम्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, एटम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियस के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ मैटर, आपको पता है कि
ये मैटर, मैटर अभी बताया मैटर क्या होता है, तो मैटर में जितनी स्टेट होते हैं, जैसे मैटर में फोर स्टेट जो हमारे यहाँ दे रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है कि तीन ही स्टेट पढ़ना है, एक गैसियस स्टेट अभी हमें पढ़ना है, यानी कि जो भी सब्सटेंस गैस के फॉर्म में होंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है ये क्लास इलेवेंथ में, स्टेट ऑफ मैटर में केवल हम गैस के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत लिक्विड के बारे में भी पढ़ना है, तो ये दो चैप्टर हो गया। फिर आता थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, नाम ही है उसमें, थर्मो, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, थर्मोडायनेमिक्स यानी उसमें हीट का फ्लो पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, यानी केमिस्ट्री में हीट का फ्लो कैसे होता है, हीट का फ्लो जहां से जहां तक होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके अंदर नहीं घुस रहे, ये सब चैप्टर जब शुरू होगा तब पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, लेकिन आपको चैप्टर के नाम से समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना क्या होगा, हमें पढ़ना होगा कि हीट का फ्लो, एनर्जी, हीट, हीट एक प्रकार से एनर्जी है, तो जितने भी एनर्जी का फ्लो होगा सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर हमें फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर में आएगा। अब आता है अगला इक्विलिब्रियम, एक चैप्टर है, देखिए इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम के भी केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप लोग पढ़ते हो इक्विलिब्रियम, जैसे ये हमने यहां मार्कर ले लिया, अब ये मार्कर देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अब बीच में ये आ गया, ऐसा ऐसे आ गया, अब ये इधर भी रुका हुआ, इधर भी रुका हुआ, ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। लेकिन हाँ ये ध्यान देना है कि यहां इक्विलिब्रियम ये रुका हुआ है, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ये मोशन में होता है इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो पूरे केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है, पूरे में इक्विलिब्रियम तो पढ़ना है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है हमें, ये पढ़ना है हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जो सदैव मोशन में हो, रुका ना हो, अगर कोई इक्विलिब्रियम मोशन में होगा, चल रहा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो हमें यहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं। अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्या, जैसे देखिए बहुत सिंपल सा केस है, एक ग्लास में पानी ले लीजिए, ग्लास में पानी आपने भर दिया, अब वो पानी फुल है इतना, इतने में रुक गया पानी, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर आप बगल से उसमें पानी और ऐड कर रहे हैं तो पानी इसमें गिर रहा है, तो ग्लास पहले से भर चुका है, अब पानी बाहर आएगा, तो पानी ग्लास से बाहर आएगा और अब पानी भर भी रहे हैं फिर भी ग्लास भरा हुआ है, क्योंकि पानी इसमें लगातार बदल रहा है, बाहर से आने वाला पानी इसमें आ रहा है, फिर इसमें से पानी बाहर जा रहा है, तो पानी लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है, लेकिन इसकी हाइट उतनी ही है, तो ये कहलाता है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो पूरे केमिस्ट्री में हमें ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करनी है, और इसमें हमें काइनेटिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़नी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना है। तो ये इतना हो गया, ये फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हो गए। हाँ एक रिडॉक्स है, जैसे अब ये अभी आपके लिए बिल्कुल नया है इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। रिडॉक्स एक रिएक्शन के का टाइप्स होता है जिसमें उस ऑक्सीडेशन चेंज होता है, जैसे ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसी तरह रिडक्शन भी पढ़े होंगे, तो उनके रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिडॉक्स में। तो एक आउटलाइन आपको समझ में आ गया कि पूरे केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, और जानते हैं सबसे बेस्ट क्या है आपकी पढ़ाई के लिए, कि आप सभी चैप्टर, हमने बोला ना जितने चैप्टर हमने बोले सभी चैप्टर को तीन तीन लाइन में हमने बताया आपको, तीन लाइन में एक चैप्टर कंप्लीट, अगर आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस लाइन में ये चैप्टर कंप्लीट, इस लाइन में ये चैप्टर कंप्लीट, इस लाइन में ये चैप्टर कंप्लीट, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको केमिस्ट्री आगे चल के अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात यही समझने ज्यादा जरूरी है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों है, तो ये फिजिकल हम बता दिए आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस नहीं करेंगे ठीक ऐसा। हाँ इसमें दो देखिए, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी आपको पढ़ाया गया है पहले ही, क्लास टेंथ में एक चैप्टर था पीरियोडिक टेबल, यानी इसमें क्या होगा जो 118 एलिमेंट नोन है उनको एक सिस्टम में अरेंज करना और उनकी प्रॉपर्टी को लगातार डिस्कस करना ही पीरियोडिसिटी कहलाता है। यानी कि अब आपको समझा रहे हैं एक लाइन में, फिर समझिएगा इस चैप्टर में क्या होगा, 118 एलिमेंट को हम इतना सिस्टमेटिक कर दें कि अगर हम 118 में ध्यान दीजिएगा 18 तरह की प्रॉपर्टी बताएं, 18 तरह की प्रॉपर्टी बताएं, तो उसमें 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, ये लाइन समझिएगा।
हम 118 एलिमेंट ले रहे हैं, 118 एलिमेंट ले रहे हैं, अब बता रहे हैं केवल कितने बारे में, 18 के बारे में बता रहे हैं, इतने कम के बारे में हमें प्रॉपर्टी 118 मिल रही है। यानी इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, यही इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यानी क्लासिफिकेशन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। बॉन्डिंग, ये दुनिया जानती है बॉन्डिंग क्या होता है। बॉन्डिंग कुछ नहीं है, आइटम्स ले लीजिए, आइटम्स पता है आपको, यहां पढ़ाया जाएगा। दो आइटम्स आपस में जुड़ जाए, उनके जुड़ने का तरीका, या फिर दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, आइटम और मॉलिक्यूल आपको अच्छे से पता है, उनके जुड़ने का तरीका बॉन्डिंग कहलाता है। हां, एक बात विशेष बात ध्यान दीजिएगा, आइटम जब आपस में जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, और जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसको बोलते फिजिकल बॉन्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, उसका आपके इलेक्ट्रॉन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फिजिकल बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर ले, हमारा इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाए, ऐसे बॉन्डिंग को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो शायद ये डिफिनीशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। हाँ, अब इससे रिलेटेड पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप बना दिए गए हैं, जिसमें एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक बना हुआ है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्बिटल्स, उस हिसाब से एस ऑर्बिटल बना है, पी ऑर्बिटल बना है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, पी में जा रहा है तो उसको पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर आकर। यहां अब अगला आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बता दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ये तो पहले बता दिया। हाँ, अब इसमें आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोले हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। अब सम बेसिक प्रिंसिपल में क्या है, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, पूरी बात हम पहले बता दिए आपको कि इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें पहला हम कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कार्बन का अमाउंट यानी उसका एनालिसिस पढ़ेंगे कि कोई कंपाउंड दे दिया जाए इसमें कार्बन का कितना परसेंट है ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उस कार्बन से जो कंपाउंड बने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं, जो हम लिख रहे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर बोलते हैं, और आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर हमें पढ़ना है यहां पर पहला। दूसरा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो दूसरा हमें इस पर पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये नाम आएगा आपके यहां। तीसरा इसमें नाम आएगा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। देखिए क्लास टेंथ में ये नाम आप जान चुके हैं, ये नाम भी जान चुके हैं, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि आपके लिए नया नाम होगा, और पूरे केमिस्ट्री का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर होता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में। फिर इसके बाद जाहिर सी बात है, अब ये ढेर सारे कंपाउंड बनाएंगे तो ये नाम ही है हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन कार्बन पढ़ते ही हैं, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। ठीक, फिर पूरे कंपाउंड केमिकल कंपाउंड का इन्वायरमेंट में क्या रोल होता है, लास्ट में आ जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो पूरी केमिस्ट्री को हम इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, देखिए बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा सा आप जानते हैं, इसलिए हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद इससे इस पे आएंगे। ठीक, थैंक यू।